खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट धीरे धीरे तेज नहीं बल्कि उफान पर है। बता दें कि कई प्रखंडों में वोट भी हो चुका है, कई जगह पर मतगणना भी हो चुकी है, जिसमें ज़्यादातर बदलाव का मूड दिखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ ठाकुरगंज प्रखंड के क्षेत्र संख्या 11 से जिला परिषद पद के उम्मीदवार फैजान साहब है। फैजान साहब पहली बार पंचायत आम चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। 25 साल की उम्र में ये अपना इलेक्शन लड़ने का मन बनाया है। हालांकि ये फील्ड में है और फील्ड के दौरान ही इनसे हम बातचीत करेंगे कि 25 साल का उम्र में ये क्यों चुनाव लड़ना चाह रहा है, क्योंकि 25 साल का जो उम्र होता है वो हंसता खिलता हुआ उम्र होता है और ये कहीं ना कहीं जो जनता से जुड़ा हुआ समस्या है और जनता के लिए प्रतिनिधित्व करना चाहता है। आखिरकार इस तरह का मन ये कैसे बनाया? फैजान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर सीमांचल की तरफ से और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे इस क्षेत्र संख्या 11 में न्यूज़ कवर करने के लिए खास करके हमको चुना और हमारे बारे में जानने के लिए कोशिश किया, इसके लिए खबर सीमांचल का तहे दिल से शुक्रिया। कैसा चल रहा है आपका चुनावी जनसंपर्क अभियान, प्रचार प्रसार? मुझे तो लगता है कि इस क्षेत्र संख्या 11 में सबसे ज़बरदस्त जो चुनावी कैंपेनिंग है वो मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि आम जन तक पहुँचना सब लोगों का मुश्किल हो जाता है और सब लोग ये नहीं सोचते हैं कि कैसे कैसे चुनावी जनसंपर्क किया जाता है और लोगों से मुलाकात की जाती है। लोग एक तरह का चुनावी जो एजेंडा है उनको भूल कर लोग चुनावी कैंपेन करते हैं और मुझे पता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, क्योंकि एक नौजवान लड़का जब चुनाव लड़ता है तो उनके दिल में बहुत सारा सवाल होता है और उन सवालों के जवाब बनने का कोशिश करता है। तो मैं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई आज के डेट में ज़बरदस्त चुनावी कैंपेनिंग कर रहा है तो वो फैजान अहमद। चलिए, बहुत बधाई आपको इस चुनावी कैंपेनिंग के लिए। और दूसरी बात यह है कि 25 साल की उम्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, जो लड़कपन का उम्र होता है जहाँ लोग जो है इधर से उधर रोड में तफरी किए फिरते हैं, लेकिन आप जनता के हित में और जनता की समस्याओं को लेकर के चुनावी मैदान में हैं। बेशक, कैसे आपको ये सोच आई? इसमें कोई शक नहीं है कि 25 साल का एक नौजवान जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहा है। जब आप देख रहे होंगे तो बिहार का जो चुनाव लड़ रहा था, जिस समय बिहार का विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो यहाँ की पूरी आवाम जो यहाँ का जनता है सब लोग ये चाह रहे थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, चाह रहे थे। उनकी उम्र क्या हुई होगी, तो वो भी उम्र सेम, किसी का जो बड़ी गरो है वो ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन 25 साल की उम्र में आदमी परिपक्व हो जाता है, एक समाज को लेकर चलने के लिए आगे हो जाता है। और आप जो बोले कि समाज का क्या क्या मुद्दों को लेकर आप राजनीति करना चाहते हैं, तो आज एक दो दिन से मैं चुनावी कैंपेन नहीं कर रहा हूँ, लगभग आज साल भर से चुनावी कैंपेनिंग कर रहा हूँ। और आप लोग हमारे जितने दोस्त यार हैं, जितने सोशल मीडिया यूजर्स हैं, सब लोग जानते हैं कि फैजान भाई एक बेबाक लड़का है जो हमेशा बड़े से छोटे छोटे बड़े बड़े मुद्दों पर बात कर सकता है और हमेशा करते रहे। आपने देखा है, मैं नाम नहीं लूँगा बहुत सारा मुद्दा का, नहीं तो लोग उसको पॉलिटिकल कैंपेन बता करके पॉलिटिकल रोटी सेकना बोलेंगे। इसके लिए मैं हमेशा लोगों से ऐसे मुद्दों से बचने का कोशिश करता हूँ और ऐसे जो मुद्दे हैं जो समाज का बर्निंग इशूज है उन पर खुलकर बात करता हूँ, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। गाँव के जो औरतें हैं उन तक कितने लोग पहुँच पाते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि लोग पहुँच पाते हैं। और मैं आपको दावे से ये कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र संख्या 11 में अगर कोई मिला है किसी जनता से तो वो सिर्फ और सिर्फ फैजान अहमद। अच्छा, आप जनता के बीच जाते हैं, क्या आपको लगता है कि आपको बच्चा समझ के लोग इग्नोर कर रहे हैं या ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं, बच्चा समझ के और ज्यादा मोहब्बत मिलता है और ज्यादा प्यार मिलता है। अच्छा, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। अच्छा, लोग ये सोच रहे थे कि इनको बच्चा समझ के लोग इग्नोर, कि अब नेता नहीं चुनना बेटा चुनना है और बेटा समान है। बहुत लोगों का जो बेटा लोग है, जो वोटर है, मेन वोटर है, उनका उनका जो बच्चा लोग है 20 से 25 साल की उम्र का लड़का। फैजान भाई, हम ये बोल रहे थे कि आप चुनावी कैंपेनिंग में हैं और एक बात तो ये है कि आप जिला परिषद पे कैसे मैन बना लिए, क्योंकि जिला परिषद एक ऐसा पद है जहाँ से आप भी देखे होंगे कि कई सारे जिला परिषद आए और गए, विकास कुछ नहीं कर पाए। आपको लगता है कि ये जिला परिषद पद पर आप चयनित होकर इलाके का उद्धार कर सकते हैं? देखिए, जब लोग करोड़ों खर्च करेंगे तो वो पैसा उठाएगा कहाँ से? अगर आप ये समझेंगे कि भाई जिला परिषद में कोई फंड ही नहीं है तो जिला परिषद सदस्य का कोई चुनाव ही नहीं होता। मेरे हिसाब से कि भाई जब वहाँ पर कोई फंड ही नहीं है, कोई फंड एलोकेट होता ही नहीं है, तो इतने बड़े बड़े लोग चुनावी कैंपेन में क्यों आते हैं, बड़े बड़े लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं जिला परिषद का? इससे मतलब कहीं ना कहीं इस जिला परिषद सदस्य में बहुत ज़्यादा काम है जो लोग करना नहीं चाहते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई करोड़ रुपया खर्च करेगा तो भाई वो उठाएगा कहाँ से समाज के? अगर वो बोलता है कि नहीं मैं सामाजिक खिदमत करता हूँ तो आप जिला परिषद चुनाव मत लड़िए। अगर आप खिदमत ही करना चाहते हो तो वहां से जाके आप आराम से करोड़ों करोड़ दो करोड़ रुपया जाके खर्च कर सकते हैं। लेकिन आप करोड़ रुपया अगर जिला पार्षद के चुनाव में खर्च करते हैं तो मुझे मालूम है कि जितना सारा फंड आने वाला है यहाँ पर
उसको आप दबा करके अपने पॉकेट में ले जाएंगे, तो लोग उद्धार नहीं करेंगे इस क्षेत्र का। कभी किसी इस क्षेत्र में कभी किसी स्कूल में आप जाकर के देखेंगे कि ये जिला परिषद फंड के तौर से बाउंड्री हुआ है, या किसी कब्रिस्तान में, या किसी जाकर के गाँव में किसी नाला का काम, किसी रोड का काम देखें। और जगह जाइए आप, किशनगंज जिला का ही और जिला परिषद का क्षेत्र जाके घूमिए, आपको काम मिलेगा। जैसे लोग बोलते हैं कि काम बोलते हैं, और हमारे यहाँ ना काम बोलते हैं, ना नाम बोलता है, ना कैंडिडेट बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है। आज के डेट में आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलना नहीं जानते हैं तो आप जिला परिषद का सदस्य बन करके आप सिर्फ डीएम ऑफिस में जाकर चक्कर काटेंगे, आपके दलाल लोग जो है वहां पर जाकर के आगे पीछे करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ कमीशन निकालना है। लेकिन वो लोग जाकर वहां पर काम कर सकते हैं जिन लोगों के मुंह में बोली है, जो लोग आवाज लगा सकते हैं, जो लोग डीएम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जो लोग अपनी बातों को एसडीएम के पास रख सकते हैं, जो लोग अपनी बातों को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के सामने रख सकते हैं, उन लोगों को आपको मौका देना होगा। अगर नहीं देना चाहते हैं आप, तो ये आपकी गलतफहमी है कि समाज एक अच्छे लाइन पे जा सकता है। समाज एक डिसिप्लिन, समाज को डिसिप्लिन में लाने के लिए आपको पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत है, और ऐसे पढ़े लिखे नौजवान जो समाज के बारे में एक अच्छी सोच रखता हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैजान आ रहा है दिखावे के लिए, कि पॉपुलर होने के लिए। मैं तो कहता हूं कि फैजान जो आया है अब की बार इस क्षेत्र संख्या 11 नहीं बल्कि पूरे सीमांचल के लोग ये सोचने पर अचंभित हो जाएंगे कि फैजान एक नौजवान बहुत कम पैसा खर्च करके और एक जिला परिषद का सदस्य चुनाव जीत जाता है, जबकि हमारे सामने करोड़पति लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जी हम आपको देख रहे हैं कि आप लगातार जनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं और सालों से ये जनसंपर्क अभियान आपका चल रहा है, इस बीच आप क्या कुछ समस्या ऑब्जर्व किए हैं जनता का? देखिए, मैं जिस गांव में गया हूं, आप अगर देखेंगे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ मिडिल स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है। ठीक है, हर एक दो वार्ड पर मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, लेकिन वहां का जो आप एजुकेशन सिस्टम देखेंगे सबसे घटिया। क्यों? आप एक जिला पार्षद हैं, आप जाकर के बैठ के बात नहीं कर सकते हैं क्या वहां के हेडमास्टर से कि भाई आपके यहाँ इस टीचरों की कमी है, हमारे यहाँ बच्चे सही से तालीम नहीं हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे गाँव में जाना होता है, वहाँ की जो औरतें हैं, जो मर्द हैं, वो यहाँ तक बोलते हैं कि भाई हमारा जिला पार्षद कौन है हम जानते भी नहीं है, हमारा जिला पार्षद का चेहरा कैसा है हम जानते भी नहीं है, कैसे लोगों को हम चुन करके भेज देते हैं जो लोग हमारा जिला पार्षद सदस्य बन जाता है। तो लोग ये चाहते हैं कि हमारा जिला परिषद सदस्य जो है वो हमारे सामने आए और हमारे प्रॉब्लम को समझे। कितना प्रॉब्लम आपको गिनाए, हमारे इस इलाके में क्षेत्र संख्या 11 में आप जाके घूमिए, आपको ऐसा ऐसा गाँव भी मिलेगा जहाँ पर जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये कौन हल कर सकते हैं भाई? गवर्नमेंट की जमीन है पड़ी हुई, आप किसी का खाता का जमीन पड़ा हुआ, इसका सोल्यूशन कौन करेगा? कोई एमएलए आके करेगा या कोई मुखिया आके करेगा? इसका सोल्यूशन अगर कोई कर सकता है तो जिला पार्षद कर सकता है। बता क्यों नहीं लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे जिला पार्षद अभी चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जिला पार्षद में कोई काम नहीं है, बस हम एक पोस्ट लेना चाह रहे हैं, जिला चेयरमैन बनना चाह रहे हैं। तो लोग बेवकूफ नहीं है कि जिला चेयरमैन एक अनपढ़ आदमी को चुन करके भेज देगा? भाई आपको बात रखना पड़ता है डीएम ऑफिस में जाकर के, जिला परिषद के आप सदस्य हैं तो जिला परिषद भवन में आपको अपनी बातें रखना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र संख्या 11 में ये कमी है, हमारे क्षेत्र संख्या 11 में ये चीजों की जरूरत है। कितने कलवटों का निर्माण कराया आपने, कितने रोडों का निर्माण कराया? आज चले जाइए हमारे इस इलाके में, खारुदे पंचायत के ठेगावस्ती गांव में एक सड़क नहीं है, वहीं खारुदे पंचायत का एक गांव है गोगड़िया, क्यों उन लोगों को महरूम करके रखा गया? एक सड़क नहीं है, बिजली का कोई साधन नहीं है, क्यों आप ऐसे करके रोकना चाहते हैं? कोलावस्ती एक गांव है, वहां चले जाइए, एक रास्ता नहीं है वहां के लिए, लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। यही आपके बगल में तेदारी एक गांव है, कब्रिस्तान तक आने के लिए कलवट नहीं है। बहुत ऐसा मुद्दा है जिन पर अगर आप बात करेंगे, आकर के ये बोलने के लिए जाते हैं कि मैं भी जिला परिषद सदस्य हूं, गाड़ी पे बोर्ड लगाने के लिए जाते हैं, तो आपके लिए मौका अब नहीं रहा इस क्षेत्र में। क्षेत्र संख्या 11 में लोग इसलिए आप चुनाव लड़ेंगे, इसलिए आप चुनाव के लिए बात करेंगे जो लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारे पसंद करेगा, बाकी लोगों को किसी को पसंद नहीं करेगा। क्षेत्र संख्या 11 से देख रहे हैं कि बहुत ऐसे धनबल वाले आदमी, ऐसे में फिर उन लोगों से आपका निपटारा कैसे होगा, कैसे उन लोगों को फेस करेंगे आप? बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। लोग आज के डेट में दौलत से मोहब्बत नहीं करते हैं, आपका दिल से मोहब्बत करता है कि भाई फैजान कैसा है, हमसे आके मिला या नहीं मिला। फैजान के जैसा लड़का जब चुनाव लड़ रहा है, हर एक आदमी से जाके मिल रहा है, जब हमको हमारी माओं का, बहनों का, दादियों का, चाचाओं का मोहब्बत और प्यार मिल रहा है, तो मुझे यही लग रहा है कि मैं कामयाब हूँ और एक अच्छे वोटों से कामयाब हूँ। ऐसा नहीं कि बस 200-400 वोटों के अंतराल से मैं जीतूंगा, मैं आपको कह रहा हूँ खबर सीमांचल के माध्यम से मैं एक लंबे अंतराल से सीट निकालूंगा, और ये लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सही मायने में भी क्या चुनाव ऐसे भी लड़ा जाता है। जब लोग करोड़पति लोग हैं, आप कहें कि करोड़पति लोग हैं, लोग पैसा बांटेगा, लोग शराब बांटेगा, लोग मीट बांटेगा, लोग अपने लोगों को जाकर के
तेल का टिन बांटेगा, लेकिन लोग उसी से मोहब्बत करेगा जो मोहब्बत का दीवाना है। और मैं कहता हूँ कि फैज़ान अहमद जब चुनाव लड़ रहा है तो इनका मिशन विजन साफ है कि अगर ऊपर वाले ने मुझे कामयाब किया तो एक इनकलाबी तहरीक आएगी हमारे समाज में। हमारा जो मुख्य एजेंडा होगा वो तालीम पर होगा। उस कौम को तब तक आप आगे नहीं लेके जा सकते हैं जब उस कौम के अंदर तालीम नहीं हो। और आज हमारे इस समाज में तालीम नहीं है भाई। आप क्वालिटी एजुकेशन जाके ढूंढ लीजिए, ग्रेजुएशन करके बच्चे बैठे हुए, इंटरमीडिएट करके बच्चे बैठे हुए, टेंथ क्वालिफिकेशन करके बच्चे बैठे हुए, आखिर करना क्या चाहते हैं आप? अगर समाज के लीडर हैं आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। ना आप डायरेक्शन दे रहे हैं ना डायरेक्शन दूसरों का मान रहे हैं। तो आज अगर फैजान के जैसा लड़का आया है तो इनका एक इनकलाबी तहरीक आएगा, एक इनकलाब आएगा इस 6 पंचायतों में कि अगर फैजान अहमद चुनाव जीत जाता है तो इनका सबसे पहला एजेंडा होगा एजुकेशन पर, दूसरा अगर कोई होगा तो हेल्थ सिस्टम, तीसरा अगर कोई होगा तो रोजगार का बात होगा। आप बोल सकते हैं कि भाई जिला परिषद सदस्य रोजगार की बात ही नहीं कर सकता, मैं मानता हूँ, लेकिन जब आप उनको एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ाएंगे तो वो रोजगार अपने आप ढूंढ लेगा। बहुत सारे लोग हैं जो स्वरोजगार करते हैं और अपने से करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता फैजान को बेहतरीन तरीके से जानती है और बेहतरीन तौर पर अपने बेटा के तौर पर जिताएगा इंशाल्लाह। चलिए चलते चलते लास्ट सवाल, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से यही एक अपील है कि खबर सीमांचल के माध्यम से, क्योंकि खबर सीमांचल को क्षेत्र संख्या 11 ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल और पूरे बिहार के लोग देखते हैं। आप जहाँ कहीं से भी हो, अगर आपके इस क्षेत्र संख्या 11 में कोई रिलेशनशिप है, कोई दोस्ती है, या आप क्षेत्र संख्या 11 में रह रहे हो, तो फैजान अहमद मेरा नाम है, मैं क्षेत्र संख्या 11 से जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो अंगूर का गुच्छा है। और मुझे उम्मीद है अंगूर का गुच्छा जो ईवीएम के 90वें नंबर पर आएगा उस बटन को दबाकर आप लोग हमको कामयाब करेंगे। और जो लोग इस क्षेत्र संख्या 11 से नहीं हैं वो लोग हमारे लिए दुआ करें और सपोर्ट करें और लोगों को बताएं कि नहीं, फैजान एक बेबाक लड़का है, आपने हमको पत्रकारिता के माध्यम से देखा है और समाज के बर्निंग इशूज पर, मुद्दों पर बात करते हुए देखा है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि मेरा साथ दें और एक नौजवान को इस क्षेत्र संख्या 11 का जिला परिषद सदस्य चुने। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे खबर समाज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इमरान भाई कि आपने हमारा न्यूज़ कवर किया है।